अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और जी क्या हो रहा अभी है? 9 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ राफिया और आर्यन के स्कूल। आज इनका रिजल्ट है। मैं मास्क लगा लिया क्योंकि मास्क के बगैर अलाउ नहीं है। और अभी मैं चलती हूँ। हाँ तो आप लोग का रिजल्ट लेने जी, तो मैंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्लास में, क्योंकि टीचर से बात की थी, उनके पेपर्स वगैरह चेक किए मैंने, और फिर अलाउ भी नहीं था रिज़ल्ट घर पे लाने के लिए। तो मैंने एक एक पिक्स बना ली थी इनकी, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ गया है, क्योंकि इनको 1 मंथ हुआ था इनके एडमिशन को और मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट आ गया। और ये रिज़ल्ट जो है आर्यन का है, क्योंकि मोंटेसरी के बच्चों को मार्क्स नहीं देते, तो बस सिर्फ रिज़ल्ट था। तो ये इसकी भी मैं पिक्स बना कर ले आई हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इनका आ गया है। पराठा खाने का अभी हमने बनवाया आलू के पराठे। कबाब, पराठे और रोटी। अच्छा, तो स्कूल से आने के बाद जो है अम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, और हम तो स्कूल गए थे काट लेने, तो हस्बैंड की आज कुछ तबीयत सेट भी नहीं थी, तो इसलिए आज उन्होंने छुट्टी की थी। तो आज बस सब घर पे हैं, और बच्चों की तो छुट्टी रिज़ल्ट कार्ड की वजह से थी, तो इसलिए अभी हम लोग ये आलू के कबाब और पराठे खा रहे हैं गर्मा गर्म, और बस यहाँ पर नाश्ता चल रहा है। तो चलें, तो फिर हम नाश्ता कर रहे हैं, फिर आपके साथ हम मिलते हैं नाश्ते के बाद। अच्छा, तो अभी हो चुके शाम और मैंने चाय बनाई है। हस्बैंड के सर में दर्द था, ये सो चुके थे, और अभी मैंने इनको उठाया चाय बनाकर। तो अम्मी यहाँ पे सिलाई कर रही हैं, राफी के फ्रॉक सी रही हैं, और जब फ्रॉक सिल जाए तो तभी मैं आपको दिखाती हूँ। और बस हम लोग चाय पी रहे हैं, बच्चे हमारे गए हुए हैं ट्यूशन, और बस हम लोग घर पर थे तो हम लोगों ने चाय बना ली, और ये मस्तियाँ कर रहा है। चलें, तो ये फ्रॉक सिल चुकी है राफी की, ये अम्मी वाइट कलर की बेल लेकर आई थी, और तो ये इस तरह से लॉन्ग अम्मी ने एयरलाइन फ्रॉक सी है, तो ये अम्मी ने वाइट कलर की इसमें बेल लगाई थी, और ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसका पजामा भी सिया है, और ब्लैक ही सिल्क का इसका पजामा है सिल्क फैब्रिक में, और उस पर भी थोड़ी सी अम्मी ने लैस लगा दी थी। खामोश हो जाओ, चलो बस बांध रही हूँ। अच्छा, हम लोग जा रहे थे हस्बैंड की खाला के घर, और बस हम निकलने लगे थे तो वो लोग भी आ गए हैं, और अभी मैंने उनके लिए चाय बनाई है, तो अभी हम उनके घर नहीं जा रहे क्योंकि वो आ चुके हैं। उनको चाय देकर उनके साथ बैठकर फिर हम जाएंगे थोड़ा सा बच्चों को बाहर लेकर। देखे, बच्चे मेरे रेडी थे, इधर देखा, हम जाने लगे हैं झूले पे क्योंकि हम अपनी खेती जा रहे थे। अच्छा, जिसके घर जा रहे थे पप्पो के, वो खुद आ गई हैं। अच्छा आर्यन, अब कहाँ जाना है? अच्छा हसन, ओ बिस्मिल्लाह, हसन हेलो करो। अरे इधर खड़े हो गए ना, हसन हेलो करो। अच्छा वालेकुम करो। वो कहाँ बैठ गए? अच्छा चलें, उनको चाय देते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। चलें, तो हम लोग चलते हैं। मेहमान अभी हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे बहुत शोर डाल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं। देर भी हो रही है, 9:30 हो गया है ना, तो फिर इन्होंने सुबह स्कूल भी जाना है, फिर चलते हैं बाहर, और आधे घंटे में बस वापस आ जाएंगे हम लोग। चलो मना। अच्छा, हम लोग अभी आए हैं आइसक्रीम खाने, और देखते हैं कौन सा फ्लेवर किसको खाना है, और फिर देखते हैं कोई झूले अगर खुले में हो तो वहाँ जाते हैं। तो
आइसक्रीम शेक भी है, वो ले लेते हैं। नहीं स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम। अरे यार बताओ, देखे ना उसमें कौन कौन सी आइसक्रीम है। इसमें तो सब है, तुमने कौन सी खानी है? केले वाली। अबे केले वाली थोड़ी होती है यार। मैंगो होती है। मैंगो खानी है। और स्ट्रॉबेरी होती है। मैंने स्ट्रॉबेरी। मैंगो। स्ट्रॉबेरी में दाने भी होते हैं, फिर खाओगी? नहीं वो नहीं खाएगी स्ट्रॉबेरी वाली। यारी मैं खाऊंगी। हेलो बोलो। अच्छा जी, मैंने अपने लिए मंगवाया था आइसक्रीम शेक और हस्बैंड का फालूदा आ चुका है और आर्यन की है पाइन एप्पल। चलो भाई तुम हमारा मेहमान हो गया। अरे वाह भाई हसन। अच्छा हसन को इन्होंने ला कर दिए खुद से ही थोड़ी सी। और राफे ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगवाया है। चलो अब जल्दी जल्दी से खा लो फिर चलें झूलों पे, सही है ना हसन? आप खाएं, आपने जो मंगवाया आप खाएंगे। चलें बस हम ये खाते हैं। अब मैं रख के लगी मोबाइल क्योंकि ये सब कुछ गिरा देगा। अभी आर्यन कह रहा है कि मुझे बस हो गया और इसकी आइसक्रीम इतनी ज़्यादा बच गई है, ये किसने खानी है? और मेरी दिखाओ। आपने फिनिश करनी है। मैंने तो नहीं खानी, मैंने अपना शेक देखे पी लिया है, बस थोड़ा सा रह गया। नहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। अब आपकी आइसक्रीम कौन खाएगा? इतना मुंह क्यों बना हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? चुप, रोना नहीं, नहीं खानी। अच्छा नहीं खाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं खा लूँ। पापा खा लें। चलो ठीक है, पापा खा लेते हैं। आप फिनिश करो ना वरना वो दुकान बंद हो जाएगी झूलों वाली। जल्दी करो। अच्छा अच्छा, हम कल पापा आएंगे ना तो जल्दी जाएंगे, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स, तो हम लोग जो है झूलों पे गए थे और शॉप्स बंद थी झूलों वाली, तो ये मेरा बेटा रो रहा है। हम कल चलेंगे, ठीक है? पक्का वादा। देखो हसन कोई रो रहा है। कितनी बुरी बात है, आप ऐसे नहीं करो। चलें तो ये रो रहा है और मैं इसको चक्कर मारती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके कमेंट करना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे मिलेंगे और वो भी झूलों वाले ब्लॉग से। तो आप लोग भी मिस नहीं करना और हमारी वीडियो को वॉच करना। अल्लाह हाफिज़।